आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आज की इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं कि आलू की फसल पर कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी आलू की फसल पर कंद के आकार में वृद्धि हो। यदि आप आलू के कंद का साइज बढ़ाना चाहते हैं, आकार में वृद्धि करना चाहते हैं, क्वालिटी में इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक भी करना है और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो पर आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली, कुछ ऐसा हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि प्लांट ग्रोथ मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन किसान कन्फ्यूज है कि कौन सा हमको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है जिससे हमारी फसल भी डैमेज ना हो, स्टोरेज भी हम कर सकें आलू को, और उपज उत्पादन रियल में हम कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आपको डिटेल से समझाते हैं। आलू की फसल 70 से 75 दिन की होती है तो हम हाइट को रेगुलेट करना चाहते हैं और वही एनर्जी को हम बढ़ाना चाहते हैं कंद पर जिससे कंद की आकार में वृद्धि हो। यदि हम PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हम स्प्रे करते हैं हाइट को तो वह रोक देता है आलू की फसल पर, यह हाइट को रेगुलेट करके कंद के आकार में वृद्धि करने का काम करता है। तो इसीलिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं और हम अपने आलू की फसल पर 75 70 75 80 दिनों पर ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। अब मार्केट में कई प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अवेलेबल हैं जैसे कल्टार, चमत्कार, लेहोसिन। अब सवाल ये उठता है और हमारी किसान कन्फ्यूज है कि हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि जो प्रैक्टिकली अनुभव ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो जो चमत्कार आती है मैपीक्वाइट क्लोराइट है और कल्टार, जो कि कल्टार पैक्लोबूट्रा जो 30% SC का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। आप पूछेंगे कि चमत्कार और कल्टार में कौन बेस्ट है, तो हम आपको बोलेंगे कि कल्टार यानी पैक्लोबूट्रा जॉल का आप स्प्रे करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कंद के आकार में वृद्धि करने के लिए कल्टार बेस्ट है, आपके हिसाब से कौन बेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन हम बता रहे हैं आपसे कि कल्टार यानी पैक्लोबूट्रा जॉल 23% SC 70 ml आलू की फसल पर प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में जब आलू की फसल लगभग 70-75 दिन की होती है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।